हेलो दोस्तों, दिस इज़ कृष्णा वासिष्ठ और आप मुझे सुन रहे हैं मेरे अपने चैनल यानी आपके अपने चैनल टैट्स ग्रुप पर। और आज हम यहाँ पे करने वाले हैं 2011 का एचटैट टीजीटी लेवल का क्वेश्चन पेपर, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी को। ठीक है, बड़े ही इंटरेस्टिंगली तरह से डिस्कस करेंगे। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको 15 क्वेश्चन कराऊंगा, यानी कि फर्स्ट 15 क्वेश्चन। जो नेक्स्ट 15 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं, जो नेक्स्ट 15 क्वेश्चन होंगे वो सेकंड पार्ट के अंदर आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। और जी हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब जब मैं वीडियो यहाँ से अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि स्टूडेंट्स आर गिवन ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल टू वर्क ऑन देयर ओन। तो पहले ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि देखो, कोई भी शिक्षण है वो अधिक प्रभावी कब हो सकता है, जब स्टूडेंट को आप काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे दें, ऑटोनॉमी जिसको हम कह सकते हैं, कि कंट्रोल उनके हाथ में रहे। ठीक है, वही एक्टिविटी को डिसाइड करें, कैसे कैसे करना है, किस तरीके से फंक्शनिंग होनी है, सब कुछ वही डिसाइड करें, तो स्टूडेंट खुश भी रहते हैं और उनको जो है बेसिकली एक वर्क एक्सपीरियंस मिलता है। ठीक है, ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मतलब खुद ही करके देखना। स्टूडेंट की, बच्चों की आदत होती है कि चीज़ों को सबसे पहले खुद करके वो देखना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। उसके बाद मूव करते हैं, शिक्षण प्रभावी हो जाता है यदि, सेकंड क्वेश्चन है, शिक्षण प्रभावी हो जाता है यदि टीचिंग बिकम्स इफेक्टिव प्रोवाइडेड। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इज़ यूज इन द क्लासरूम। तो बिल्कुल गलत बात है। ठीक है भाई, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन तो प्रोवाइड होता ही है, तो ये ज़्यादा यूजफुल है नहीं। टीचर डायरेक्टेड मेथड्स आर यूज्ड इन द क्लासरूम, बोथ टीचर डायरेक्टेड मेथड एंड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन आर यूज्ड। फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, लर्नर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन एंड इंटरेक्टिव मेथड आर यूज। तो यहाँ पे देखो, इंटरेक्टिव वर्ड आ गया है, पॉजिटिव वर्ड आ गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है और बात भी सही है। छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतक्रियात्मक विधियों का उपयोग किया जाना, मतलब एक टीचर है और उसको इंटरेक्टिव मेथड आना चाहिए। इंटरेक्टिव मेथड होना चाहिए कि होता है कि इन्फॉर्मेशन दोनों तरीके से प्रोसीड हो रही है, टीचर स्टूडेंट को टीच कर रहा है और स्टूडेंट भी बेसिकली डायलॉग कर रहे हैं टीचर के साथ, तो दैट इज़ द इंटरेक्शन मेथड। और टीचर का काम यह है कि जितने भी यूजफुल टूल उसके पास हैं वो सारे बच्चों को इंटरेक्ट कराएं, बच्चों के सामने इंटरेक्ट कराएं। तो इंटरेक्टिव मेथड से बच्चों को टीच कराया जाना चाहिए, तो बच्चे जो हैं अच्छे से समझते हैं। ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर दोस्तों। उसके बाद बात कर लेते हैं, एक उत्तम कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो इसका देखो राइट आंसर आप देखोगे, फोर्थ ऑप्शन है, मतलब सारे ऑप्शन यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं। शिक्षक जो है बच्चों की क्यूरियोसिटी को बढ़ाता है। ठीक है, और एक अच्छा शिक्षक वही होता है, एक उत्तम शिक्षक वही होता है जो बच्चों की क्यूरियोसिटी को बढ़ाए, बच्चे के अंदर डायलॉग को प्रोत्साहित करे। ठीक है, बच्चों को रियल वर्ल्ड के एग्जांपल्स ज़्यादा से ज़्यादा दे, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा रियल वर्ल्ड के एग्जांपल बच्चों को मिलेंगे, उतने ही वो लाइफ को पढ़ाई के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पहले से ही ऑप्शन लगे हुए हैं दोस्तों, माफ़ करना इसके लिए। जैसे देखो, सृजनात्मक की विशेषता होती है, मतलब क्रिएटिविटी की विशेषता पूछ रहा है ये, तो ओरिजिनलिटी भी होती है, फ्लुएंसी भी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, स्टूडेंट हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फॉर लर्निंग एंड टीचिंग। मतलब स्टूडेंट के अंदर इनमें से कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक्टिवनेस, बिल्कुल सही बात है, स्टूडेंट एक्टिव होते हैं। स्टूडेंट हैव एबिलिटी टू लर्न, बिल्कुल सही बात है। स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू सेल्फ एक्टिविटी एंड रिलेशन टू न्यू एक्सपीरियंसेस, सही बात है, एक्सपीरियंसेस से स्टूडेंट सीखते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, बात कर लेते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर सिक्स की, स्लो लर्नर नीड्स। एक स्लो लर्नर कौन होता है, मतलब जो बिल्कुल स्लो सीखता है, मतलब आप टीच कर रहे हैं उसे और उसको, मतलब वो धीरे, उसको समझ में तो आ रहा है लेकिन बहुत ही कम समझ में आ रहा है, समझने में वो ज़्यादा टाइम ले रहा है, उसे कहते हैं स्लो लर्नर। अब उसको ना एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत होती है कि एक्स्ट्रा हेल्प दे दें, एक्स्ट्रा टाइम दे दें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ, इफ़ ए स्टूडेंट गिव रॉन्ग आंसर टू ए क्वेश्चन पुट अप बाय यू, यू विल, मतलब एक आपने क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट से और उसने उसका गलत आंसर दे दिया, तो आप क्या करोगे। ठीक है, उसको मारोगे पीटोगे, क्या करोगे आप।
ठीक है, तो ऐसा तो करोगे नहीं। तो बेसिकली आपने एक क्वेश्चन पूछा, स्टूडेंट ने उसका गलत आंसर दिया है, तो आप जो है वो देखो उसकी जो गलत उसकी आंसरिंग है उसको ना डायरेक्टली पॉइंट आउट नहीं करोगे, ठीक है, जस्ट उसको इंडिकेट करना है। एक सेकंड क्वेश्चन उसको उससे पूछ लो, ठीक है, और उस क्वेश्चन में उसकी उस मिस्टेक को पॉइंट आउट करो, ठीक है। तो डायरेक्टली उसको नहीं बताना है कि बेटा आपने ये चीज़ गलत बताई है, और ना ही किसी दूसरे बच्चे से कहलवाना है, ना ही किसी दूसरे बच्चे से करेक्ट करवाना है। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन एट देख लेते हैं। टीचिंग इज डिफाइंड एज, ठीक है, शिक्षण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग, तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, कि जो टीचिंग होती है या फिर आप कह लें जो टीचर होता है वो जस्ट फैसिलिटेट करे, अधिगम का सरलीकरण करे, अधिगम को सरल करे। मतलब जितना कॉम्प्लिकेटेड किसी किताब में लिखा हुआ है ना, उसको बहुत ही ईजी भाषा में बच्चों के सामने रिप्रेजेंट करे, ठीक है, वो होता है सरलीकरण करना। तो अधिगम को सरलीकरण करना है जस्ट स्टूडेंट की सहायता करे, ठीक है, क्योंकि आजकल जो मॉडर्न एजुकेशन हो चुकी है वो स्टूडेंट सेंटर्ड हो चुकी है, तो स्टूडेंट के इर्द गिर्द ही घूमती है, ना कि टीचर के इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लेवल ऑफ टीचिंग, तो इनमें से कौन सा स्तर जो है शिक्षण का है। रिफ्लेक्टिव, इंट्रैक्टिव, प्रोजेक्टिव, समेटिव। तो अगर हम इंट्रैक्टिव के साथ जाएंगे तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था इंट्रैक्टिव एक पॉजिटिव वर्ड है अपने आप में ही, और इसका मतलब होता है कि बेसिकली इंट्रैक्टिव मेथड होते हैं, इसका मतलब होता है टीचर जो है कम्युनिकेट स्थापित कर रहा है बच्चों के साथ, और बच्चे भी जो है टीचर के साथ डायलॉग कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो दोनों तरफ से चल रही है, ठीक है, दोनों तरफ दोनों पार्टियाँ अच्छे से सीख रही हैं, दैट इज़ द इंट्रैक्टिव मेथड। और टीचर के पास जो भी कुछ है, जो भी टूल्स हैं, वो सारे बच्चों के सामने रिप्रेजेंट करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th, शिक्षकों को निम्नलिखित में से शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए। जो टीचर होता है वो कौन सी शिक्षण विधि को यूज़ करे। लेक्चर मेथड, लेक्चर मेथड वो होते हैं जो यूजली कॉलेजों में स्कूल्स में दिए जाते हैं टीचर्स के द्वारा। इंट्रैक्टिव मेथड जो मैंने अभी आपको बताया है, नैरेटिव्स की जस्ट कहानी के तौर पर बता दिया जाए। नन ऑफ द अबोव, तो देखो आप सीधी सी बात है इंट्रैक्टिव मेथड के साथ ही जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2nd इज द राइट आंसर। काउंसलिंग टू स्टूडेंट इज मोस्ट यूजफुल, देखो एक विद्यार्थियों को दिए गए वाले परामर्श, यानी काउंसलिंग क्या होती है, जस्ट परामर्श होता है, वो सर्वाधिक उपयोगी होता है स्टूडेंट के कॉन्टेक्स्ट में। इनरिचिंग देयर नॉलेज, डेवलपिंग देयर स्किल्स, डेवलपिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस इन देम, तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 3rd इज द राइट आंसर, कि बच्चों के अंदर जो है आत्मविश्वास जग जाता है अगर आप बच्चों को परामर्श दोगे, बच्चों को काउंसलिंग करोगे, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं जैसे इनरिचिंग देयर नॉलेज, आप स्टूडेंट को कोई कुछ चीज़ बता नहीं रहे हो वहाँ पे जिससे कि स्टूडेंट की नॉलेज बढ़ जाए, ऐसा तो कुछ है भी नहीं। आप स्टूडेंट को टीच थोड़ी ना कर रहे हो, जस्ट स्टूडेंट को परामर्श दे रहे हो, सजेशन दे रहे हो। डेवलपिंग देयर स्किल्स, फिर से वही वाली बात, टीचर स्टूडेंट को कुछ चीज़ सिखा नहीं रहे हो आप, तो स्किल आने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है यहाँ पे। तो डेवलपिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस इन देम। क्वेश्चन नंबर 12, मल्टीग्रेड टीचिंग इज दैट वेयर इन, मल्टीग्रेड टीचिंग किसे कहते हैं, ठीक है, बहुग्रेड अध्यापन। तो बहुग्रेड अध्यापन वो होता है कि एक टीचर जो है मल्टीपल क्लासेस को टीच करे, ठीक है। कई बार क्या होता है प्राइवेट स्कूल्स में आपने देखा है या फिर गवर्नमेंट स्कूल में आपने देखा है, एक टीचर के पास कॉम्बाइंड पीरियड आ जाते हैं, जैसे मान लो 8th क्लास भी वहीं बैठी है, 7th क्लास भी वहीं बैठी है, तो मल्टीग्रेड टीचिंग उसको करनी पड़ेगी वहाँ पे, ठीक है। कुछ ऐसा टीचिंग उसको करना पड़ेगा कि 8th क्लास के स्टूडेंट भी ग्रैप करें चीज़ों को और 7th क्लास के स्टूडेंट की भी पढ़ाई चले। कुछ कॉमन टॉपिक्स आप उठा सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, तो कॉमन टॉपिक आप वहाँ पे उठा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2nd इज द राइट आंसर, कि एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं को बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, दैट इज़ अ मल्टीग्रेड टीचिंग। बात करते हैं द रोल ऑफ द टीचर, एक टीचर का रोल क्या है। कम्युनिकेशन नॉलेज, मेंटेनिंग डिसिप्लिन अमंग स्टूडेंट्स, क्रिएटिंग अ लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी बेस्ड इंट्रैक्टिव लर्निंग, तो बिल्कुल सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3rd, कि एक टीचर का काम क्या है, छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अंत क्रियात्मक अधिगम का सृजन करना। तो बच्चों के अंदर बेसिकली जो लर्नर है, जो एजुकेशन है, वो लर्नर सेंटर्ड बनाए, मतलब अपनी अपनी ना चलाए क्लास के अंदर खड़े होकर, भाई हाँ हम टीचर हैं, हमारे हाथ में डंडा है, हम ही सब कुछ करेंगे। बच्चों को भी अपॉर्चुनिटी दें, जो अधिगम होता है वो एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जस्ट लेक्चर मेथड ही दिया जा रहा है बच्चों के, बस इन्फॉर्मेशन ही घुसाई जा रही है उनके दिमाग में। इंट्रैक्टिव लर्निंग, और जो लर्निंग होनी चाहिए वो इंट्रैक्टिव होनी चाहिए, दोनों तरफ से ही संवाद होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, टीचर शुड डू व्हाइल टीचिंग, मतलब एक पठन पाठन में शिक्षक को करना चाहिए, ट्रांसमिट नॉलेज वर्बली, इंक्रेज इंक्वायरी, टीच थ्रू टेक्स्ट बुक इन द क्लासरूम, नन ऑफ द अबोव। तो बेसिकली
एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो बेसिकली उसको करना चाहिए इंक्रीज इंक्वायरी, मतलब बच्चों के अंदर जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रोत्साहन करना, बच्चे पूछें, बच्चे क्वेश्चंस पुट करें कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, प्लीज़ ये समझा दें। पीछे से बच्चा खड़ा होकर कहे कि सर हमें सेकंड स्टेप समझ में नहीं आया, आप हमें ये स्टेप समझा दो, ठीक है। तो वो जो चीज़ है बच्चे के अंदर आनी चाहिए, एक एटीट्यूड बच्चे के अंदर डेवलप होना चाहिए पूछने का, ठीक है। जस्ट क्वेश्चनिंग वो करे, आमतौर पर देखा जाता है कि बच्चे क्वेश्चनिंग ही नहीं करते हैं, टीचर जस्ट लेक्चर दे रहा होता है, ठीक है। एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कर सकते हैं, यू कैन हेल्प ए टैलेंटेड चाइल्ड बाय, ठीक है, पेइंग मोर अटेंशन टू हिम, गिविंग हिम मोर बुक्स, स्पेंडिंग मोर टाइम टू हिम, गिविंग एनरिच लर्निंग एक्सपीरियंस। तो बेसिकली जो एक प्रतिभाशाली बालक है उसकी आप मदद कैसे कर सकते हैं एज ए टीचर, कि भाई आप जो हैं उसको ऐसे कार्य दें उससे संबंधित अधिगम अनुभव देकर, मतलब जिस चीज़ के लिए वो, जिस चीज़ में उसकी एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, आप उसको उसी से रिलेटेड कार्य दें, तो जिसको करने के लिए वो इंजॉय भी करेगा, ठीक, आनंद भी उसको फील होगा और कुछ सीखने को भी उसको मिलेगा, ठीक है। गिविंग एनरिच लर्निंग एक्सपीरियंसेस, मतलब संसाधन उसके लिए पूरे होने चाहिए, ठीक है। तो जब भी वो बच्चा जो है, क्योंकि बच्चा जो है प्रतिभाशील है, बच्चा जो है टैलेंटेड है, तो चुप तो बैठने वाला नहीं है, तो बेसिकली उसको कुछ इस तरीके का काम दो जिसमें वो जो है, जैसे प्रोजेक्ट मेकिंग उसको दे देनी चाहिए, प्रोजेक्ट मेकिंग, जैसे कोई ग्रुप अगर आपने बनाया तो जस्ट लीडर उसको बना दें, तो उसको जस्ट अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पे वो अपने टैलेंट को अच्छे से परफॉर्म करे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कोई बच्चा ड्राइंग में काफ़ी टैलेंटेड है, तो उसको ड्राइंग से रिलेटेड कुछ काम आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं सारी की सारी। जैसे मान लो बच्चा कोई एक्टिंग में ज़्यादा अच्छा है, एक्टिंग में ज़्यादा टैलेंटेड है, तो जब वो भी जब कभी इवेंट हो जहाँ पे रोल प्ले हो, ठीक है, जहाँ पे बच्चे रोल प्ले करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं सभी बच्चे मिलकर, तो उसको कोई अच्छा सा रोल आप दे, तो वो इस काम को इंजॉय भी करेगा करते वक्त। तो दोस्तों ये थे 2011 के एचटेट टीजीटी लेवल के क्वेश्चन पेपर, जहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के 15 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, अगर आपने नहीं किया है साथ में प्यार की घंटी भी बजा देना, क्योंकि जब जब आप प्यार की घंटी बजाते हो तो मेरे दिल में भी एक घंटी बजती है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम मैं लेके आऊँगा नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।